हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लायंस स्टडी में। फ्रेंड्स, हम लोग पिछली वीडियो में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के चार नियम जान चुके थे, जिनमें से था अधिकार जानने वाला नियम या कुछ है, और तीन नियम और भी थे, जिसमें से आज हम उस नियम के अगले नियमों के बारे में बात करेंगे, उनके आगे के नियमों के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं फ्रेंड्स, उसका अगला नियम यानी पांचवा नियम ये कहता है, कोई ऐसा कार्यक्रम जो कि भविष्य में होना है परंतु पूर्व निर्धारित हो, उसको व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाएगा। अर्थात कोई भी एक ऐसा कार्य जो पहले से निर्धारित है बट होने वाला है भविष्य में, जैसे सी गोज़ टू मुंबई नेक्स्ट वीक, जैसे वो मुंबई जाने वाली है यह बात, लेकिन जाने वह अगले हफ्ते में है, लेकिन यह बात आज से ही निर्धारित है। अर्थात जो कार्य पूर्व निर्धारित हो लेकिन होने वाला हो भविष्य में, वहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। वहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का छठा लॉ फ्रेंड्स ये कहता है, यदि किसी वाक्य में, कोई वाक्य हो जिसमें दो क्लॉज हों, एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे एग्जांपल में देखें आप लोग, ये इसकी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज, ही विल गो टू होम, और ये ही फिनिशेस हिज वर्क, ये हो गई इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यदि किसी वाक्य में दो क्लॉज हों जहाँ पर कि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर इन में हो, फ्यूचर में कोई वाक्य जहाँ पर दो क्लॉज हों जिनमें से कि पहली क्लॉज फ्यूचर टेंस में होगी, तो दूसरी क्लॉज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। जैसे शर्त का बोध कराने वाले वाक्य, कोई भी वाक्य जहाँ पर शर्त का बोध कराया जा रहा हो, यदि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगी। एग्जांपल जैसे ही विल गो होम, वह घर जाएगा, बट आफ्टर ही फिनिशेज हिज वर्क, वह घर जाएगा लेकिन अपना कार्य पूरा करने के बाद, अंततः यानी शर्त है इसमें कि जब वह कार्य पूरा कर लेगा तभी वह घर जाएगा। तो इसमें पहली क्लॉज फ्यूचर में, सेकंड क्लॉज इनडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये था इसका छठवां और अंतिम नियम फ्रेंड्स, ये था प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के लॉ। फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में भी फर्स्ट क्लास जो होती है, इस एग्जाम्पल में फर्स्ट क्लास भी फ्यूचर टेंस में है। जैसे यू विल गेट सक्सेस, आप सफलता प्राप्त करेंगे, इफ़ यू ट्राई हार्ड, यदि आप मेहनत करेंगे। तो इसमें भी दो क्लास हैं, ये फर्स्ट क्लास ये सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में विल आया है, इसलिए यह फ्यूचर टेंस में है, यह फ्यूचर में। और सेकेंड क्लास इसकी जो यहाँ से यहाँ तक है, सेकेंड क्लास प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे भी शर्त है यू विल गेट सक्सेस, आप सक्सेस तभी होंगे जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। तो यहाँ पे भी यूज हुआ, तो क्या प्रेजेंट टेंस सेकंड क्लॉज में। तो कोई भी वाक्य जहाँ पर कंडीशन दिखाई जा रही हो, किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, और उसमें फर्स्ट क्लॉज अगर आपके फ्यूचर में है, तो वहाँ पर सेकेंड क्लॉज में बिना कुछ सोचे आपको सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। इसका अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, He will meet you when you reach home. वह तुमसे तभी मिलेगा जब तुम घर पहुँचोगे। इसमें भी कंडीशन है, क्या? When you reach home, जब आप घर पहुँचेंगे तभी वह आपसे मिलेगा। फर्स्ट क्लास इसका, फर्स्ट क्लास फ्यूचर में, सेकेंड क्लास इसका इनडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सो ही विल मीट यू वेन यू रीच होम। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करते हैं, सर सबसे बढ़िया यह है एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स, इस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि यह है एयरफोर्स की बुक से ही बताया गया था, एयरफोर्स की बुक में भी उसका सिलेबस ही है ये। तो वनडे एग्ज़ाम का ही, आखिर का हर वनडे एग्ज़ाम का यही सिलेबस होता है, ये सब प्रेजेंट टेंस में ता है ती है कुछ नहीं पूछा जाता। वहाँ पर आपको कोई पहचान नहीं बतानी होती है, वहाँ पर आपको पहचानना होता है कि यहाँ पर कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जहाँ पर पहले में कंडीशन, जहाँ पर किसी भी वाक्य में दो क्लॉज होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज,
प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपका फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा। सब्सक्राइब करिए लाइन स्टडी पॉइंट को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।